उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में मतदान जारी है नगर निकाय का, और इसी क्रम में हम मौजूद हैं प्रयागराज में। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भारी संख्या में बुर्का नशी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं, और ये तस्वीर बयां कर रही है कि अब महिला भी अपनी जो मत का प्रयोग है उसकी ताकत को वो समझ रही है। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर आपको एक लंबी लाइन जो है वो नज़र आ रही है। हम कुछ ऐसी ही कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि आपके नगर पंचायत में कितना विकास हुआ है और किन मुद्दों को आपने अपने जहन में रखा है। माशाल्लाह बहुत विकास हुआ है हर चीज़ में, सफाई में या फिर और भी बहुत से बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, और से काफ़ी हम लोग को फ़ायदा होता है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी समझ कर आते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आज के दिन का महत्व और लोग भी समझे, वोट डालना अधिकार है सभी का? बिल्कुल, सबका अधिकार है, जाना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। समझना चाह रहे वो भी आज के समझ क्या कह रहे हैं आप? मतलब जो नहीं समझना चाह रहे वो भी इस दिन को इसको की ज़रूरत समझें कि कितना ज़रूरी होता है ये वोट देना, किसी को जिताना, अपने गांव अपने देश का विकास करना। अच्छा, कितना विकास हुआ है नगर पंचायत? बहुत विकास हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। और आगे क्या चाहती, क्या बदलाव चाहती हैं कि इसमें बदलाव किया जाए और अच्छा किया जाए? बिल्कुल भाई, हर विकास हो रहा है उससे और अच्छा हो। जहाँ हमें रहना है, हम हर इंसान सोचेगा कि हमारा गांव, हमारा देश हर चीज़ में आगे जाए, पढ़ाई में या विकास में, साफ सफाई में, हर चीज़ में आगे जाए, विकास हो रहा है। जी, तो महिलाओं का कहना है कि विकास हो रहा है। वैसे जी, आप बताइए कि आप एक स्टूडेंट हैं, हमें लग रहा है, तो क्या कहना चाहती, कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर? आगे तक बात जी, बहुत अच्छा विकास है, इसी तरह होना चाहिए, हम महिलाओं को सुविधा मिलनी चाहिए, बस ठीक है। और सब आगे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, 5 सालों में विकास दिखा है यहाँ पर? जी हाँ, बहुत अच्छा दिखाई दिया। और क्या बदलाव की सोचने की, क्या और अच्छा होना चाहिए? और अच्छा होना चाहिए लड़कियों के लिए, हम लोगों की सुविधाओं के लिए। जी अच्छा, ये अगर हम बात करें तो यहाँ की सड़क व्यवस्था, नाली, जल भराव की समस्या तो नहीं होती? नहीं नहीं, सब ठीक है, बहुत अच्छा है यहाँ पे विकास। अच्छा, मतलब विगत 5 वर्षों में आप लोगों ने देखा है कि? जी हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि विगत 5 वर्षों में काफ़ी जो है बदलाव देखा गया है, और अब वो भी ये चाह रही हैं कि अब और भी ज़्यादा बदलाव हो। अगर हम बताएं 2025 में महाकुंभ जो है वो होने वाला है, और शहर की जो तस्वीर है वो भी बदलेगी, नगर पंचायत की जो तस्वीर है वो भी बदलेगी। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 8 नगर पंचायत में चुनाव हो रहा है, 64 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जब नतीजे घोषित होते हैं तो किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।